नमस्कार। 19वें एशियाई खेलों पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो 19वें एशियाई खेलों में भारत का 100 पदक का आंकड़ा पार करना तय हो चुका है, यानी इस बार 100 पार का सपना सच हो गया है। आज भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही भारतीय टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। तीरंदाजी और ब्रिज में आज रजत पदक मिले। वहीं बैडमिंटन और सेपक टैक्रो में ऐतिहासिक कांस्य पदक भारत के खाते में आए। अगले आधे घंटे में इन सब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। सबसे पहले बात करते हैं हॉकी की। एशियाई खेलों में भारत ने हॉकी में एक बार फिर अपना परचम लहरा दिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने एक तरफा फाइनल में जापान को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 19वें एशियाई खेलों में भारत का ये 22वां स्वर्ण पदक है। इस जीत के साथ ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। भारत ने इससे पहले 2014 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई खेलों के इतिहास में ये भारत का 4था स्वर्ण पदक है। इससे पहले भारत ने साल 1966, 1998 और 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। और आज के दिन के बाकी पदकों पर नजर डालते हैं। एशियाई खेलों में आज भारत को तीरंदाजी में रजत पदक हासिल हुआ। तीरंदाजी में भारत की पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। अतानु दास, तुषार शेलके और धीरज बोमा देवारा ने ये पदक हासिल किया। फाइनल में भारत को दक्षिण कोरिया के खिलाफ 2-5 से शिकस्त मिली। भारतीय पुरुष ब्रिज टीम ने भी रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारतीय टीम को फाइनल में हांगकांग के खिलाफ शिकस्त मिली। एशियाई खेलों के पिछले संस्करण में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था और इस बार उन्होंने पदक का रंग बदलने में सफलता पाई। तीरंदाजी में आज भारत की महिला रिकर्व टीम ने कांस्य पदक जीता। तीरंदाज अंकिता भकत, सिमरनजीत और भजन कौर की तिकड़ी ने महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में कांस्य पदक पर निशाना साधा। महिला टीम ने कांस्य पदक मैच में वियतनाम की टीम को हराकर ये पदक अपने नाम किया। एशियाई खेलों में बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग में एचएस प्रणॉय को कांस्य पदक मिला। बैडमिंटन के सेमीफाइनल मैच में प्रणॉय को चीन के ली शिफेंग के हाथों 16-21, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। एशियन गेम्स में बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में भारत को 41 साल बाद पदक मिला है। इससे पहले सैयद मोदी ने 1982 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। भारत ने सेपक टैक्रो में भी ऐतिहासिक कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने रेगु ट्रायो में ये पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में थाईलैंड के हाथों 10-21, 13-21 से शिकस्त मिली। कुश्ती में भारत की सोनम मलिक ने कांस्य पदक जीता। सोनम ने महिलाओं के 62 किलो भार वर्ग में कांस्य जीता। सोनम ने चीन की जियो लॉन्ग को मात दी। कुश्ती में ही भारत की किरण बिश्नोई ने भी 76 किलोग्राम की फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक के मुकाबले में किरण ने मंगोलिया की पहलवान को हराया। कुश्ती में ही भारत के अमन सहरावत ने 57 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। अमन ने कांस्य पदक के लिए हुए मैच में चीन के पहलवान को शिकस्त दी। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बांग्लादेश के खिलाफ आज खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज की। बांग्लादेश द्वारा दिए गए 97 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 9.2 ओवर में हासिल कर लिया।
भारत के लिए तिलक वर्मा ने 55 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 रन की पारी खेली। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 96 रन बनाए थे। भारत के लिए साई किशोर ने 3 जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट हासिल किए। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए नेपाल को 61-17 के बड़े अंतर से मात दी और फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफल रही। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने भी फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 61-14 से मात दी और फाइनल में जगह बनाई। तो एक कामयाबी भरा दिन रहा भारत के लिए और 19वें एशियाई खेलों में देश की महिला खिलाड़ियों का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वैनम, अदिति स्वामी और परनीत कौर ने ताइवान को हराकर कल स्वर्ण पदक जीता था। ऐसे में इन खिलाड़ियों के लिए कैसा रहा जीत का अनुभव और देश में तीरंदाजी का खेल किस तरह से करवट ले रहा है, इन सब पर इन खिलाड़ियों से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। में वुमेन्स की कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। रिकॉर्ड टूट चुके हैं, पुराने रिकॉर्ड सभी तोड़ करके लगातार आगे बढ़ रहे हैं भारतीय एथलीट, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है जब इंडिया आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में और हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है वो, और हम जैसे फ्लैग इंडिया का ऊपर जाता है तो हमें बहुत ही प्राउड फील होता है। जब ये मुकाबला आप खेलने उतरे थे तो आपने मालूम था या आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आज जो मेडल है वो आपके साथ होगा और वो भी गोल्ड मेडल? जी सर, उम्मीद तो पूरी थी और हमने प्रैक्टिस भी उतनी की थी, मेहनत भी की थी तो हमें खुद पे भरोसा भी था और हमारे पीछे सभी जनों का सपोर्ट भी था तो हम कॉन्फिडेंट थे कि हम ये कर पाएंगे। ज्योति, हमने देखा था कि कल आपने मिक्स्ड में जीता था गोल्ड और आज वुमेन्स की कंपाउंड में आपने गोल्ड जीता है, लेकिन साथ ही आपको कल काफ़ी पेन भी था, तो उस पेन से उभरते हुए किस तरह से ये वाला जो सफ़र आपने जो तय किया गोल्ड का, अनदर क्योंकि अगले ही दिन फिर से मुकाबला और फिर से एक गोल्ड मेडल, चाहे जो भी चल रहा हो पीछे, एक बार हम वेन्यू पे होते हैं या फाइनल फील्ड में होते हैं या शूटिंग लाइन पे होते हैं, हमें किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि हमें क्या करना है, वहाँ खड़े होके अपना शूट करना है, तो मैं भी बस वही कर रही थी। परिणीत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की अब फैसिलिटीज़ जो देश में अब प्रोवाइड की जा रही है आर्चरी के खेल को लेकर के, हमने देखा कि साई का जो सोनीपत का जो साई सेंटर है वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो कितना ज़्यादा एक अहम रोल वो प्ले कर रहा है इस मेडल के पीछे? सर, साई का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है हमारे पीछे और हमें अभी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया था उन्होंने, और जैसे हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं साथ में वहाँ पे नेशनल कैंप्स लगते रहते हैं तो बहुत ही अच्छी से प्रैक्टिस हो पाती है और हमारी टीम की प्रैक्टिस भी अच्छी रहती है। वाकई आगे भी इंडिया को प्राउड फील कराएंगे और आगे भी देश के लिए मेडल जीतेंगे, ये इन खिलाड़ियों का सपना है और ये सपना इस वजह से है क्योंकि देश में अब जिस तरह से जमीनी स्तर पर खेलों को लेकर के बढ़ावा देने वाली तमाम स्कीम्स और तमाम बुनियादी जो ढांचा है वो सामने है। हांगजू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज के लिए। और हमारे साथ हांगजू से जुड़ गए हैं हमारे खेल संवाददाता गौरव कुमार। जी गौरव, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और साथ ही पेरिस ओलंपिक का टिकट भी यहां से हासिल कर लिया है, एक बड़ी उपलब्धि भारतीय टीम के लिए। ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था और भारतीय हॉकी टीम का जो प्रदर्शन है वो लगातार ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सुचित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे एशियन गेम्स में भारत ने एक भी मुकाबला गवाए बिना का सफर तय किया और अंत में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल का सपना पूरा किया और सीधे पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो यह दिख भी रहा था क्योंकि जिस तरह से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने दमखम दिखाया था और खासकर फुलटन की जो कहना चाहिए जो कोचिंग है उसमें जिस तरह से टीम ने अपने जो गेम स्ट्रेटेजी जो चेंज की हुई है, जिस तरह से वो अपने गेम को अब उन्होंने बदला है, केवल वो अटैकिंग मोड पर ही काम नहीं करते बल्कि जिस तरह से अपने डिफेंस को मजबूत रखते हुए फिर अटैक करते हैं,
कुछ प्लेयर्स की उन्होंने प्लेइंग पोजीशन जो है वो चेंज की, जिस तरह से हमने देखा कि मनप्रीत सिंह की उन्होंने प्लेइंग पोजीशन चेंज की, इसी तरह से हार्दिक सिंह थे उनको बीच में चेंज किया गया, उनकी प्लेइंग पोजीशन चेंज की गई। तो ये जो चेंजेस किए गए उन चेंजेस का ही नतीजा है कि लगातार टीम जो है वो अपने खेल से बहुत कुछ टीम ने सीखा, और ये बात एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में तब दिखाई दी थी जब टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था, जब ये टूर्नामेंट जब चेन्नई में आयोजित हुआ था, तो वहीं से ही ये दिखने लगा था कि ये टीम जिस रंग में दिख रही है, जिस जोश के साथ मैदान पर उतर रही है, इस टीम के एशियन गेम जो है वो कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होने वाला है। हमने देखा कि किस तरह से भारतीय टीम ने पहले मैच में उज़्बेकिस्तान को 16-0 से हराया, उसके बाद सिंगापुर की टीम को हराया, और उसके बाद लगातार टीम जो है वो अपने जो खेल को निखारते हुए आगे बढ़ा रही थी। खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला था वो बिल्कुल पूरी तरह से एक तरफा रहा। तो यहाँ पे टीम जो है वो केवल एक टीम वर्क तो साथ साथ दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि टीम जो है वो केवल पेनल्टी कॉर्नर्स पर डिपेंड होती नहीं दिखी, बल्कि टीम ने फील्ड गोल भी किए। और इसमें टीम का मानना पड़ेगा कि जिस तरह से वरुण कुमार, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह, ये जिस तरह से इन्होंने पूरी टीम को एक कहना चाहिए एक लीड किया है, एक सही दिशा दी है, एक गेम को एक रफ्तार दी है, जो कि एक बहुत जरूरी मोमेंटम होता है किसी भी टीम को आगे बढ़ने के लिए, वो सब आज के खेल में भी नजर आया। और केवल आज ही के खेल में नहीं, बल्कि पीछे से जिस तरह से टीम चलती आ रही है, तो उस कड़ी में भी ये काफी अहम चीज रही है। और ये एक बड़ी वजह है क्योंकि लगातार टीम जो है वो इंटरनेशनल मैचेस जो है वो खेलती आ रही है। हमने देखा था कि पहले टीम ने स्पेन का दौरा किया था, वहां टीम तीसरे स्थान पर जी। बिल्कुल गौरव, लगातार शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है भारतीय हॉकी टीम की तरफ से, और स्वर्ण पदक जीतकर एक बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल की है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, चीन के हांगजू में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। स्क्वाश में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने कल मिश्रित युगल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इस जीत के बाद हांगजू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने इन दोनों खिलाड़ियों से बात की और एशियन गेम्स में मिली उनकी सफलता के अनुभव को जाना। एशियन गेम्स में भारत ने अपना जो 20वां स्वर्ण जीता है वो स्क्वैश के कोर्ट से आया है, और उसको जीता है दीपिका और हरिंदर की जोड़ी ने। मिक्स डबल्स में हरिंदर मेडल आया, कितना टफ रहा था क्योंकि हमने देखा था कि मैच जो है वो काफी उतार चढ़ाव से भरा था, तो उस समय आप दोनों ने किस तरह के अपने आप को क्या कुछ चल रहा था उस समय आप लोग के दिमाग में, और इस किस तरह से आप लोगों ने मैच को आगे कंटिन्यू रखने के लिए, अपने बढ़त बनाए रखने के लिए कैसे क्या कुछ प्लानिंग की? सर मैच काफ़ी टफ था और पहली गेम काफ़ी नेक टू नेक थी, काफ़ी क्लोज थी, और हमने अपनी कंपोजर बना के जैसे दीपिका ने काफ़ी अच्छा हैंडल किया, जो भी प्रेशर मुझे फील हो रहा था सो उसने काफ़ी अच्छा हैंडल किया थ्रू आउट द मैच। और सेकंड गेम में भी हमारी काफ़ी अच्छी लीड थी, उसमें मुझसे काफ़ी गलतियां होने लगी, मैं गेम प्लान से काफ़ी दूर चला गया और दीपिका ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया, मुझे काफ़ी अच्छा समझाया। दीपिका, आपने लंबे गैप के बाद वापसी की और अब मेडल के साथ आपकी वापसी ये हो रही है, तो इस सब के दरमियान क्या कुछ प्रेशर था दिमाग में, क्योंकि बहुत समय बाद आप किसी भी खेल में उतरो तो एक प्रेशर कहीं ना कहीं काउंट होता है, तो यहाँ पे भी कुछ प्रेशर था? No, I think for me and Harry, I think because we haven't really been a part of the team for a very long time, we knew we were the underdogs. Obviously, 2 months back when we won the tournament, we knew that when we come into this tournament, everyone's going to be eyeing us. So I think we just kept at it. We kept doing what we had to do to improve our game. And I think the results followed. अब जो एक change आ रहा है स्क्वैश के खेल को लेकर के, उसको किस तरह से देखते हैं? So, मैं देखता हूँ जैसे जो juniors हैं हमारी टीम में, वो नॉट अ राइट टाइम, मैं बोलूँगा ये बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए सीखने के लिए, स्पेशली अनाथ ने आई थिंक काफ़ी सीखा है दीपिका से, जोशना से, कैसे टफ डिफरेंट और टफ सिचुएशन में अपने को हैंडल करना, तो वो यू नो एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी काफ़ी छोटे होते से आ जाती है, और सेम फॉर अभय, सौरभ से सीखा है, जो भी हमारी टीम के सीनियर प्लेयर हैं उनसे काफ़ी सीखा है। दीपिका, इस एशियन गेम्स में हमने देखा हमने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, और चाहे मेडल की बात कर लें, चाहे मेडल टैली, गोल्ड मेडल की बात कर लें, चाहे मेडल टैली की बात कर लें, सब में हमने रिकॉर्ड पुराना तोड़ा है, तो क्या एक बड़ी वजह मान रही है कि जो चेंज आ रहा है और हम हर खेल में अब मेडल जो है वो जीत रहे हैं?
Yes, it's a, you know, it's a very, very good change for our country. I think we're slowly becoming a sporting nation, and I think we have to give credit where it's due. I think the ministry and the federations are really supporting its players and really trusting the whole process of that we Indians can actually become world champions. So it's a start to a new era, as I keep saying, and hopefully we just improve from here. वाकई तो इम्प्रूवमेंट की हमेशा ज़रूरत होती है और इस बात को ये खिलाड़ी भी मान रहे हैं, लेकिन देश ने लगातार अपने आप को खेल के क्षेत्र में बढ़ाया है और देश का ये बढ़ता कदम ही है जो पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके आगे लगातार बढ़ता जा रहा है अपना देश। हांगजू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंच गई है। टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले तिलक वर्मा मानते हैं कि एक तरफ भारत एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतेगा, वहीं क्रिकेट विश्व कप में भी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत करेगी। विश्व कप जीतने को लेकर क्या होनी चाहिए भारत की रणनीति और किन बातों का टीम इंडिया को रखना होगा ध्यान, इन सब पर उनसे खास बात की हांगजू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार। भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंच चुकी है और इस वक्त हमारे साथ हैं तिलक वर्मा, जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की है। तिलक, सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी बधाई कि इतनी शानदार बल्लेबाजी की आपने, 26 गेंदों पर 55 रन बनाए जिसमें 6 छक्के शामिल रहे। कैसे देखते हैं अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को? हाँ, बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि सेमीफाइनल बड़ा इवेंट है और विकेट आसान नहीं था। जैसा लो स्कोर्स होते हैं, जैसे 97 टारगेट 100 के नीचे जो भी होते हैं, वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। और विकेट एकदम मतलब टर्नर रैंक टर्नर था, डैम था, इतना इजी नहीं हम लोगों को पता था। तो मैंने बस राइट इंटेंट लगाया और उस समय मैं सोच रहा था कि बॉडी अच्छा लाइन पर ले जाओ और मेरे शॉट्स को बैक करो, तो उसमें मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। तिलक, अब क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो चुका है और भारत जो है वो अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में सीरीज में तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया पे डोमिनेंस रखा, लेकिन अब ये वर्ल्ड कप है तो क्या कहेंगे? यस सर, ऑफकोर्स अपन होम सॉइल पे खेल रहे हैं, तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि इस बार अपन 100% जीतेंगे, इंडिया जीतेगा। और इधर भी हमें गोल्ड का मैच है कल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। इधर गोल्ड जीते, वहाँ पे भी वर्ल्ड कप जीते, तो एक हिस्ट्री बनेगा। भारत की टीम को वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा किन पहलुओं पर ध्यान देना होगा? जैसे हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर भी हालांकि बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट अभी कर रहे हैं हम, तो क्या कुछ कहेंगे आपकी नज़र से, क्या कुछ लगता है कि कहाँ पर एक ज़रूरत रहेगी कि एक किलिंग इंस्टिंक्ट रखने की? जैसे सर मिडिल ऑर्डर का वैसे कुछ नहीं सर, क्योंकि अपन इतना दिन से तो बहुत ही टूर्नामेंट सीरीज देख चुके हैं। श्रेयस भाई कितना अच्छा बैटिंग कर रहे हैं और लास्ट ऑस्ट्रेलिया का सीरीज देखे तो श्रेयस भाई का जो 100 कमबैक किया है बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और उससे पहले आप जैसे देखे तो अगर ईशान किशन का भी आप देखे तो पाकिस्तान के साथ बहुत ही अच्छा क्रूशियल इनिंग्स खेले सेमी विकेट पे। तो मुझे लगता है कि एकदम टीम अच्छा बैलेंस्ड है अभी और अच्छा राइट पॉजिटिव माइंडसेट से सब चीज चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार अपन जीतते हैं। पाकिस्तान की आपने बात की, तो पाकिस्तान के खिलाफ भी मुकाबला जो है वो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में बड़ा मुकाबला रहेगा, तो उस मुकाबले से पहले किस तरह का एक, क्योंकि आप एज एन क्रिकेटर किस तरह का एक खिलाड़ियों के बीच एक मोटिव रहता है, किस तरह का एक क्या आपस में बात होती है ड्रेसिंग रूम में, किस तरह का एक माहौल रहता है? सर मुझे लगता है कि वैसा हम लोगों का पाकिस्तान से खेल रहे हैं या कोई और टीम से खेल रहे हैं वैसे हमेशा कुछ नहीं रहता है। हम लोगों का टीम का एटमॉस्फेयर यही रहता है कि हर टीम से वही माइंडसेट, वही एटीट्यूड, वही 100% देने का बात होती है हमेशा, और सब प्लेयर वही माइंडसेट से जाते हैं कि हम लोग पाकिस्तान से खेल रहे हैं और कोई और टीम से खेल रहे हैं उससे भी ज़्यादा करने वैसे कुछ नहीं रहता। हम लोग वही सोचते हैं कि हर मैच 100% है, तो वही माइंड में रहते हैं और हम लोग का बेसिक्स को फॉलो करते हैं और वही इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये है तिलक वर्मा, जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी करके भारत को एशियन गेम्स के फाइनल में पहुँचा दिया है। इसके साथ ही साथ वो मान रहे हैं कि भारत जो है वो विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत का जो मध्यक्रम है और जो ओपनिंग ऑर्डर है वो बेहद मजबूत है, साथ ही साथ गेंदबाजी का जो मिश्रण है वो भी बहुत शानदार है। हांगजू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए। चीन में चल रहे एशियाई खेलों में 35 किलोमीटर मिश्रित पैदल चाल में भारत के एथलीट रामबाबू ने कांस्य पदक जीता। 24 साल के रामबाबू बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बुलंद हौसले और कड़े संघर्ष के बाद ये कामयाबी हासिल की है। हिम्मत, हौसले और लगन की असली मिसाल है एथलीट रामबाबू के गले में लटका यह मेडल। 35 किलोमीटर मिक्स्ड रेस वॉक टीम इवेंट में रामबाबू ने कांस्य पदक अपने नाम किया
और एक बार फिर अपने नाम को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी। रामबाबू के सफर की कहानी संघर्षों से भरी है। पिता 2 जून की रोटी के लिए मजदूरी किया करते थे। आर्थिक तंगी के बीच उपलब्धि का सफर तय करने वाले रामबाबू अपने संघर्ष के दिनों को आज भी याद करते हैं। मेरे पापा गांव में लेबर वर्क का काम करते हैं। मैं काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। बट होता है कि मेहनत रंग लाती है। मैंने हार नहीं मानी। मेरे मम्मी का सपना था कि हम चाहे जैसे भी गुजारा कर ले रहे हैं, बट हमारा जो बेटा है वो अच्छा करे, ऐसा काम करे कि उसकी ज़िंदगी सवर जाए, उसकी ज़िंदगी हमारे जैसे ना कटे। तो मैंने मेहनत की और मैंने आज इस मुकाम को हासिल किया। हालांकि जहां संघर्ष होता है वहां सफलता को आने में देर नहीं लगती। रामबाबू ने अपना हौसला नहीं खोया और जल्द ही उन्हें एथलीटों की बेहतरी के लिए चलाई जा रही तमाम सरकारी स्कीम्स का फायदा मिलने लगा। इसका श्रेय मैं अपने फेडरेशन को देना चाहूँगा, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमें मतलब कि हमारा सपोर्ट कर रही है, हमें हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड कैंप भेज रही है और नेशनल कैंप कंटिन्यू कर रही है, जो फैसिलिटीज हमें चाहिए वो फैसिलिटीज दे रही है। रामबाबू मानते हैं कि आज देश में खेल का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही पीएम मोदी जिस तरह से खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हैं वह अपने आप में अद्भुत है। मोदी जी हैं, सबके लिए ट्वीट करते हैं और सबसे पर्सनली मिलते हैं, जो कि काफ़ी एथलीट को प्रेरित करती है। और जो अभी जो एथलीट इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं वो भी प्रेरित होते हैं इससे कि हम भी ऐसा काम करें, ऐसा मेहनत करें, इस प्लेटफॉर्म पे जाएं कि हम भी मिल सकें उनसे। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए और जो नए एथलीट हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है और इंस्पिरेशन है ये चीज़। आज भी खपरेल के कच्चे मकान में रहने और मजदूरी करने वाले परिवार में उनकी माँ मीना देवी ने बताया कि यह गौरवशाली पल है। गरीब होना या मजदूरी करना कोई मायने नहीं रखता। अपने गरीबी में हम कैसे उसको वहाँ तक पहुँचाए, वो भी अपना जिम्मेदारी समझ के, वो भी काम धंधा जैसे तैसे करके अपना जिम्मेदारी समझा, अपने मेहनत किया इतना कि वहाँ तक पहुँचा है। आया था घर पे तो उसके पापा पिताजी काम कर रहे थे नरेगा में, तो अपने पिताजी के साथ 1 महीना वो खचिया फेंका था। बस वही हमारे परिश्रम का फल हमको मिल गया। भगवान ने हमारा सुन लिया, हमारा रामबाबू इतना मेहनत किया, भगवान उसका सुन लिया, बस हमको यही खुशी है। रामबाबू अब पेरिस ओलंपिक की ओर देख रहे हैं। जमीनी स्तर पर अब उन्हें पहले से ज्यादा सुविधा है, साथ ही ट्रेनिंग के लिए अब उनके पास विदेशी कोच भी है। तो केवल रामबाबू ही नहीं बल्कि रामबाबू जैसे कई एथलीट देश में हैं जिनकी संघर्ष की अपनी एक अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन इस संघर्ष को केंद्र सरकार की तमाम खेलों को लेकर चल रही नीतियों से बड़ा फायदा मिला है, जिसे ये एथलीट मानते भी हैं और समझते भी हैं। और उनका अब अगला लक्ष्य यही है कि वो इन तमाम सुविधाएं जो उन्हें मिल रही हैं उसको पदक के रूप में देश को वापस लौटाएं। हांजू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज के लिए। और बैडमिंटन का अपडेट आपको दे दें, पुरुष युगल वर्ग के सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया की जोड़ी से हो रहा है। पहला गेम भारतीय जोड़ी ने 21-17 से जीत लिया है और दूसरे गेम में भी इस वक्त भारतीय जोड़ी 4-2 से आगे है। तो यही उम्मीद है कि भारतीय जोड़ी फाइनल में जगह बनाए और यहाँ से भारत को रजत या फिर हम उम्मीद करेंगे कि स्वर्ण पदक मिलना तय हो जाए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।